और वहीं समाजवादी पार्टी के एक और विधायक भी बैठक में पहुंचे। विधायक इरफान सोलंकी भी वहां मौजूद रहे। उन्होंने जनतंत्र टीवी के संवाददाता ओम पांडे से कहा कि अब विपक्ष मजबूती से विधानसभा में लड़ेगा, साथ ही कहा कि सत्ता पक्ष को घेरने का काम हम करेंगे। समाजवादी पार्टी से विधायक इरफान सोलंकी जी हमारे साथ बात करने के लिए हैं। वो समाजवादी पार्टी मुख्यालय से बाहर निकले हैं। आज जो बैठक हुई उस पर क्या मोहर लगी, अंतिम मोहर क्या लगी? आपको याद होगा पिछली बार जब हमारी आपकी मुलाकात हुई थी और आप ही के चैनल में हमने दिल की इच्छा बताई थी कि हम चाहते हैं कि हमारे नेता श्री अखिलेश, जानकारी अखिलेश यादव जी हमारे नेता, जानकारी अब थी नहीं थी, अब जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हर चीज का क्रेमस इंतजार करिए। अब आप तो कहे आगे क्या होने वाला है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी नेता प्रतिपक्ष के तौर में चुने गए हैं और कल जब 28 तारीख को विधायक की शपथ होगी उसमें वो भी लेंगे। अब तौर से आप कह रहे थे जब हमारा सेना नायक मजबूत होगा तो हम लड़ेंगे। अच्छा, तो अब सेना नायक मजबूत हो गया तो क्या माना जाए, विपक्ष अच्छा लड़ेगा? बिल्कुल लड़ेगा। हम 125 हैं लगभग और उनके हर विधानसभा में आप खुद गवाह बनेंगे और इस बार की उत्तर प्रदेश की जनता गवाह बनेगी कि विपक्ष ने सत्ता पक्ष को हराने का काम करा। भाई अखिल शिवपाल यादव की लेकर चर्चा हो रही है, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले मीडिया से रूबरू हुए, उन्होंने नाराजगी जाहिर की, उन्होंने कहा कि हमें कोई जानकारी नहीं दी ये बैठक बुलाई। देखिए जो मेरे पास जानकारी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जितने अन्य सहयोगी दल हैं उन सबको 28 तारीख को बुलाया है। 28 तारीख को चाहे हमारे राजभर जी हों, आदरणीय शिवपाल जी, क्योंकि वो शिवपाल यादव जो है वो साइकिल के सिंबल से चुनाव लड़े। अब ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता पाएंगे। आगे को लेकर क्या मंथन हुआ, क्या चर्चा हुई, अखिलेश यादव से क्या बातचीत हुई? अब अगर इसका जवाब तो ये भी है कि संजय राठौर जी भी गठबंधन से चुनाव लड़ रहे थे पर साइकिल से थे, तो वो बात तो बात है। देखिए हमें ये मालूम है कि हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। आगे की रणनीति ये है कि जैसे ही शपथ होने वाला पहला हाउस होगा, पहले होता था कि नई सरकार है उसको 2-3 महीने का टाइम दिया जाता है काम करने का, पर अब क्योंकि कंटिन्यू में सरकार है पहले दिन से हाउस में उनके हमलावर रहेंगे और जनता को राहत दिलाने का। आपको क्या लगता है बीजेपी के ऐसे कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको विपक्ष में मजबूती से उठा करके विरोध करेंगे? अरे आपने देखा होली कैसी भी थी, कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहाँ दंगे नहीं हुए, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं होगा जहाँ अपराध ना बढ़ा हो। ये पुलिस वाले क्या, और खास तौर से जब MLC के चुनाव हुए तो हमारे पर्चे छीन लिए गए। ये प्रजातंत्र ने तानाशाही नहीं है, और याद रखिए तानाशाही करने वाले जड़ से उखड़ जाते हैं, उनका वजूद मिट जाता है। ये थे इरफान सोलंकी, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। साफ तौर से इन्होंने कहा कि अब जो है विपक्ष एक मजबूती से सामने आएगा और भारतीय जनता पार्टी को विभिन्न मुद्दों पर घेरने का काम करेगा। तक साथ मैं ओम पांडे, जनता टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को जो कि अवेलेबल है Google Play और App Store पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।